गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आज हमारे यहाँ गेस्ट आने वाले हैं। दो गेस्ट हैं, आपको मैं दिखाऊंगी। वो हैं, भिलाई से आ रहे हैं हम लोग, तो उनको लेने के लिए हम लोग जा रहे हैं अभी। देखिए हमारे गेस्ट आ चुके हैं, ये है विभूति और ये है जिया जी। आप इनके बारे में बताओ। इनके बुआ के बेटे हैं और मेरे जिया जी हैं। अभी सब खाना खा के सब सो रहे हैं। ये देखिए ईशित सो रहा है और इधर जिया जी और विभू सो रहे हैं और ये ईशित के पापा इधर सो रहे हैं। और ये है 3 दिन के कपड़े एक साथ रखे हुए हैं मैंने, क्योंकि कपड़े ही नहीं सूखते, बहुत ही धीरे धीरे सूखते हैं और ठंडे ठंडे से लगते हैं पूरे टाइम। 2 दिन धूप निकलने के बाद ये देखिए फिर से काले काले बादल आ चुके हैं फिर से। और ये कद्दू के बीज इतने मस्त निकल गए हैं, हरे हरे पत्ते निकल आ गए हैं इसमें। अब ये इवनिंग का टाइम है, चाय पी रहे हैं सब। और आज मेरी व्याश हो गई है, मैं भी दूध वाली चाय पी रही हूँ। ये देखो ईशित को लगी है। थोड़ा सा छिला और उसने रुई लगाया और नीचे भी गिरा, पूरा घर को गंदा किया है। अभी क्या करना बताना? इसे इसीलिए बोला जाता है थोड़ा काम सीख जाओ। अभी क्या करना? गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये देखो उठ गई है विभूति। और ये गधा सो रहा है। इशित उठो बेटा, ये देखो ये कैसे सो रहा है अभी तक। इशित और विभू क्या करेगी आज? बस ऐसे कोई बोल दे सोने का तो सो जाओ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज सुबह से ही लाइट नहीं है तो बच्चे देखे क्या कर रहे हैं। मैं अंधेरे में ब्रश कर रहा है, दिख भी नहीं रहा, स्कूल जाना है। ये भी भूस हुई हुई है अभी। जाना है कॉलेज। ठेठी वो भी 7:30 बजे। ईशित के कपड़े, स्कूल का यूनिफॉर्म मैं आयरन नहीं कर पाई। ऐसे सुबह ही करती हूँ आयरन। आज जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो आज नहीं कर पा रही हूँ। और कल टाइम ही नहीं मिला करने को, नहीं तो कल ही कर ली रहती। मैं भी उठ गया, ब्रश कर रहे हैं। इतना घर में इतना अंधेरा है, बाहर भी सब अंधेरा अंधेरा सा है। ये फ्रेंड्स मेरे कल कुशन कवर आए, ये 4 कुशन कवर मैंने मंगाया था। इनके प्रिंट कितने अच्छे लग रहे हैं देखिए। ये खादी के कपड़ों के हैं, बहुत अच्छे हैं, दिखने में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। इसका प्रिंट
मैंने अपने प्लांट से मैचिंग ये सब मंगाया है क्योंकि मेरे पास प्लांट बहुत है घर के अंदर, इसीलिए आज है सोमवार, सावन का सोमवार पहला दिवस, फास्ट है मेरा। फ्रेंड्स, ये इशित के लिए हमने स्कूल शूज मंगाए हैं 9 साइज के, क्योंकि जो इसका 8 साइज का शूज जो हमने अभी खरीदा था मार्च में वो छोटा हो चुका है, उसको पैर काटने लग गया उसका सामने से, तो ये 9 साइज के शूज मंगाए हैं। और ये है उसके लिए 9 साइज का रेनी वाला शूज, लेकिन ये इसको साइड से काट रहा है यहाँ से, तो शायद ये पता नहीं अब इसके साथ इन लोग क्या करने वाले हैं, इसको भेजेंगे वापस, रिटर्न करेंगे या तो इसको रखेंगे, हो सकता है कि पहनने से ही थोड़ा सा लूज होके हो जाए ठीक से। तो ये तो यहाँ बहुत ज़रूरी है क्योंकि बारिश, पुणे में या महाराष्ट्र में जो जैसे भी मुंबई में जहाँ हम लोग रहते थे, तो बारिश इतनी होती है कि रेनी शूज़ के बिना काम ही नहीं चलता। हाँ, इसके पापा को भी सेम ऐसे ही खरीदा है, उनके लिए भी वो भी काट रहा था, तो देखते हैं वो, लेकिन दो तीन बार पहन चुके हैं तो वो तो शायद अब चेंज नहीं करेंगे अपना, ये इसका देखते हैं रिटर्न करने का है तो दूसरा है या तो फिर दूसरा लेंगे इसके बदले। हाँ ना, बता दें इसको पहनेगा कि नहीं पहनेगा, क्या नहीं पहनेगा? I don't know? तो पहनना तो तेरे को ही है ना। मैगी खा रहा है देखो स्कूल से आके, बता जल्दी, वापस रिटर्न करना पड़ेगा बेटा। फ्रेंड्स, आज फास्ट है, मंडे है, तो देखिए मैंने बनाई है कढ़ी, बूंदी वाली कढ़ी, इसमें दाल है और परवल आलू की सूखी सब्जी और राइस, ये मैंने बनाया है अभी शाम को हम लोग को खाने के लिए। अभी तो मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि अभी 4:15 बज रहा है, मैं खाऊंगी शाम को और थोड़ा लेट से 6-7 बजे तक खाऊंगी, तो चावल और बनाना पड़ेगा। ये विभू आएगी उसके लिए मैंने रख दिया है राइस, वो ही खाएगी। देखिए इशित ने क्या बनाया है अपने लिए, ऐसे ऐसे ना कोई भी क्राफ्ट वाला सामान नहीं बनता है। और देखो क्या है ये, करामबेट, ये है करामबेट, इसने खुद से बनाया है, इतना अच्छा। एक पेपर का बैग बनाना था, उसको इसने विभू से बनाया, दीदी बना दो मेरे से नहीं बनता, और इतना मुश्किल चीज ये इसने खुद से बनाया है। भाई कहाँ से देख के बनाया है पता नहीं, मतलब ये करना चाहे तो कर सकता है हर चीज, लेकिन इसके में आलस इतना भरा पड़ा है ना, कूट कूट के ना बेटा, है ना। ये देखो ये डिनर करके बैठी है। अब ये बिना डिनर के बैठा है, गधा लड़का, पढ़ नहीं रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, चलो जाओ पढ़ाई करो, खाना के टाइम हो जाएगा तुम्हारा। और हम तीन लोगों ने डिनर कर लिया है, ये बस अकेला बच्चा बचा है डिनर करने के लिए, जा बेटे जल्दी, चलो माल दूंगा, माल माल पैसा, ब्लॉग एंड कर आओ। तो आज की इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना चैनल और शेयर करो हम लोगों के साथ।